प्रीति देखो मेरा पिज्जा आया कि नहीं। हाँ जी आ गया आपका पिज्जा। अरे मैडम आपने मेरे पिज्जे के साथ क्या किया? इसमें लाल कलर का स्प्रे क्यों कर दिया? एकदम चुप कर और ये ले पैसे, तुझ जैसे गरीब के लिए ये बहुत है। ए पिज्जा वाले जा मेरे पति को पिज्जा दे के आ और वहाँ जाके कुछ भी जुबान खोला ना तो यहाँ से तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। जल्दी जा। सर वो आपका पिज्जा। हाँ पिज्जा वाला ले आया मेरा पिज्जा, कितना टाइम लगा दिया। प्रीति तुमने इस पिज्जा वाले के पैसे नहीं दिए क्या? ये 50 प्रकार के मुंह बना रहा है। क्यों जी मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए ना, अब निकलिए यहाँ से। प्रीति तुम एक गिलास पानी लेके आओ जब तक मैं पिज्जा खत्म करता हूँ। जी अभी लाई पानी। अरे बाप रे क्या फैमिली है, पत्नी अपने पति को ही मरवाना चाहती है। हाय राम ये क्या हो गया? चलो जो हुआ अच्छा हुआ, मर गया फौजी। वाह बेटा अच्छा किया तू इसको मार दिया। माँ जी ये हमने क्या कर दिया? अरे माँ जी आपने अपने ही बेटे को मरवा दिया। इस कायर पत्नी को तो मैं समझ सकता हूँ, इसका किसी न किसी के साथ अफेयर होगा, इसलिए अपने फौजी पति को मार दिया। मैं पुलिस को जाके सब सच सच बता दूंगा। रुक जा बेटा, जैसा समझ रहा है वैसा नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है माँ जी, आप माँ नहीं कहके ही माँ हो। कहके ही माँ ने तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था, आपने तो अपने बेटे को जीवन भर के लिए ही मार दिया। ये बेटा फौजी के नाम से कलंक है। ये रहे पैसे, इस बार कश्मीर में 200 आदमी मरने चाहिए। हाँ जरूर मरेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। धन्नो मातुम। आज के जमाने में आजकल के बच्चे बच्चियों का रेप करके आते हैं और उनकी माएं अपने आंचल में छुपा के उनको बचाना चाहती हैं। माँ जी इस देश के हर नागरिक को आप पे जरूर गर्व होगा, आपने देश को बचाने के लिए अपने सगे बेटे को कुर्बान कर दिया। और धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसी औलाद पैदा की, तुमने अपने पति को कुर्बान करके देश की लाज बचा ली। भैया मैं ऐसे सुहागा क्या करती जिसकी वजह से हमारे देश के 200 जवान भाइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जय हिंद जय भारत। जब तक इस देश में आप जैसी माएं और आप जैसी पत्नियां रहेंगी तब तक एक कलयुग में सतयुग जिंदा रहेगा। ऐसा अगर मेरे 100 बेटे होते मैं 100 को 100 कुर्बान कर देती।